अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल किचन विद हूर। किचन विद हूर में आप सबका बेहद खुश आमदीद है और आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियो को शेयर लाइक करते हैं, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं उनका भी बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, ठीक है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप फ्रेंड्स की मदद कीजिए जहाँ तक भी आपकी रसाई है। और ये है कि नीचे दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक जल्द अज जल्द पहुँच जाए। चलते हैं आज की इस रेसिपी की तरफ। मैं आपके साथ आज क्या शेयर करने लगी हूँ, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक रिफ्रेशिंग स्किन को वाइट ब्राइट करने के लिए और जिस्म की गर्मी दूर करने के लिए और आपके बॉडी लेवल को मेंटेन करने के लिए स्मार्ट भी करेगा ये ड्रिंक आपको, जो मैं बहुत अच्छा ज़बरदस्त आपके साथ ड्रिंक शेयर करने लगी हूँ। और मैं बताऊँगी, अभी मैं बताती हूँ कि इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं और ये जाना अज्जा में बन जाएगा। बहुत ही टेस्टी है और बहुत रिफ्रेशिंग है। चलते हैं, इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें जी, बहुत ही सिंपल और आसान चीज़ें हैं इस जूस को बनाने के लिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है आपके लिए, ठीक है। ये आपके गर्मियों में आपके जिस्म की गर्मी को भी दूर करेगा और ये है कि आपके कलर को भी बहुत ज़्यादा फेयर करेगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर बेस पे से इसको इस्तेमाल करेंगी तो आपके कलर को भी बहुत ज़्यादा मतलब ये फेयर करेगा, ठीक है। ये देखिए, कैरी ली थी मैंने, दो इस साइज़ की मैंने कैरी ली थी, ठीक है। आपको दिखाने के लिए बता दूं कि ये मैं कैरी जूस बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कैरी को छोटा छोटा काट लिया था और उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल करने से ये होता है इसकी जो खटास होती है वो गले को नहीं पड़ती और गला ख़राब नहीं होता, चाहे आप जितना मर्ज़ी पी लें, ठीक है। और इसमें मैंने भुना हुआ एक टेबल स्पून ज़ीरा डाला था। अब मैं इसको ग्राइंडर जार में डालने लगी, ठीक है। साथ ही मैंने डालना है 1/2 टीस्पून नमक का, काले नमक का, ठीक है। ये ज़ीरा दिखाने के लिए कि ये मेरा भुना हुआ ज़ीरा है, ठीक है, जो मैंने इसमें ऐड किया था, ठीक है। और 2 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें पुदीना शामिल करने लगी, पुदीने के पत्ते हैं, ठीक है। और अपने टेस्ट के लिहाज से आप इसमें शुगर ऐड कर सकती हैं जितनी आपको टेस्ट वाइज आपको पसंद है, ठीक है। मैं इसमें 1/2 कप जो शुगर ऐड करने लगी हूँ क्योंकि जब इसमें पानी वगैरह डलेगा, बर्फ़ डलेगी, फिर ये फीका लगेगी, ठीक है। अब हम इसको करते हैं ग्राइंड, ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर हम इसको स्ट्रेन करेंगे, फिर हमने पीना कैसे है, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ड्रिंक हमारा हो गया तैयार, बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी, ठीक है। आप बच्चों को, बड़ों को, सबको बना के दीजिएगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा और रिफ्रेशिंग है, ठीक है। इस गर्मी में ये ड्रिंक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, आप ज़रूर बच्चों को बना के दीजिएगा, स्कूल से आते हैं, ठीक है, उनके लिए ये घर के बनी हुई चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त है और इफेक्टिव है, ठीक है। इससे आपका कलर भी बच्चों का फेयर होगा, ठीक है, और उनकी जिस्म की गर्मी भी दूर होगी और मज़ा पीने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करिए, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और मिलती हैं एक अच्छी और कारामद वीडियो में। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।